श्रीपाद रामानुचार जो कह रहे हैं तदेवं चेतना चेतनात्मकं कृष्णं जगत मदीयं काले काले मत्ता एव उत्पद्यते मयि च प्रलीयते मयि एव अवस्थितं मत् शरीरभूतं मत् आत्मकं च इति अहमेव कार्यावस्थायां कारणावस्थायां च सर्व शरीरतया सर्व प्रकार अवस्थित भगवान जैसे
कपड़े का सूत होता है, इधर भी सूत है और इधर भी सूत है, और सब एकत्रित होकर के कपड़ा बनता है। सूत से कपड़ा, रुई से सूत, और रुई का पेड़ से रुई, और बीज से पेड़। इसी प्रकार भगवान पहले बताए हैं, बीजो हम सर्वभूताना, सब चीज का जो बीज है वो भगवान, भगवान ही असल कारण, और सब कार्य ब्रह्म संहिता में इसका आओ स्पष्टतया बता रहे हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण, एक कारण और उसका कार्य। जैसे बीज उसका वो कारण है और उसका कार्य है पेड़, और पेड़ कारण है उसका कार्य है फूल, और फूल कारण है उसका कार्य है रुई, रुई कारण है और उसका कार्य है सूप, और सूप कारण है और उसका कार्य है कपड़ा। तो जब हम लोग कपड़ा देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं जो कपड़ा कोई मशीन में बनाया गया, ये तो कोई जो दांत चलाते हैं वीवर वो बनाया है, असल में भगवान बनाया, जिसका नाम है कृष्ण कॉन्शियस, जो मूल कारण को देख सकता है सब समय। इस विषय में एक सुंदर कहानी है, थोड़ा आप लोग सुनिए कि नारद जी भगवान भगवान का पास जा रहे हैं, तो उसमें रास्ता में एक चमार से मुलाकात हुआ, और वो पूछा नारद जी से, महाराज आप किधर जा रहे हैं? नारद जी बताया कि मैं भगवान से मिलने को जा रहा हूं। तो वो चमार नारद जी से पूछा कि थोड़ा भगवान से पूछिएगा हमारी मुक्ति कब तक होगी, अच्छा हम पूछेंगे। और रास्ता में इसी प्रकार और एक ब्राह्मण से मुलाकात हुआ, बहुत भारी पंडित दार्शनिक, वो भी यही बात पूछा नारद जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला हम जा रहे हैं वैकुंठ भगवान से मिलने के लिए, तो हमारा विषय कुछ पूछिएगा, जरूर पूछेंगे। तो नारद जी जब भगवान के पास आए, बातचीत होने का पश्चात नारद जी पूछा भगवान से, देखिए रास्ते में आते आते एक ब्राह्मण से भी मुलाकात हुआ और एक चमार से भी मुलाकात हुआ, दो ही यही बात पूछे, तो उसको क्या जवाब? तो भगवान बताया, देखो जी ब्राह्मण का तो अभी बहुत देर है, और जो चमार है इसी जीवन में उसकी मुक्ति हो जाए। तो नारद जी थोड़ा आश्चर्य हो गया, ये ब्राह्मण का विषय बोलते हैं देर है, और चमार का विषय बोलते हैं इसी जीवन में उसका मुक्ति हो जाए, क्या बात? तो भगवान बोला, अरे देखो जब वो पूछेगा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो बता देना कि भगवान एक सुई का जो छिद्र होता है उसके भीतर से एक हाथी को इधर ले आते हैं और हाथी को उधर ले जाते हैं।
तो नारद जी समझे हुए तो थे, परंतु थोड़ा हंस के और फिर लौट के जब गया तो ब्राह्मण को जब बोला, ब्राह्मण जब पूछा भगवान क्या काम कर रहे थे, तो बोला भगवान एक सुई का वो छेद जो है उसका भीतर से हाथी को इधर ले आ रहे हैं उधर ले। तो ब्राह्मण का देखिए ये सब जो बातें हैं हमको ठीक अच्छी नहीं लगी, ये कोई संभव है क्या? वो माना नहीं। और वो चमार का पास जब गया, उनको जब बोला, वो रोने लगा, ओ भगवान की क्या शक्ति है, भगवान सब कुछ कर सकते। उनका विश्वास है कि भगवान चाहे तो हाथी का सुई का छेद का भीतर ला सकते। तो नारद जी उनको पूछा, तुम ये बात को विश्वास किया? हाँ। तो चमार बोलता, क्यों नहीं करे महाराज, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो कैसे तुम विश्वास किया? हाँ। तो मैं रोजाना देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? मैं देखो, हम पेड़ का तरे में बैठे हुए हैं, बट वृक्ष, और एक फल, बट फल जो नीचे गिरता है उसका भीतर हजारों बीज, और एक एक बीज में एक एक ऐसे बड़े बड़े वृक्ष है, और एक एक वृक्ष न जाने कितना बट फल है। तो यदि भगवान ये बीज के भीतर इतना एक भारी पेड़ को रख सकता है, तो सुई का छिद्र से हाथी को ले आना है क्या, उसके लिए कोई मुश्किल है? तो नारद जी समझा, जो ये जो चमार है ये पूर्ण भगवान का विश्वास है, अचिंत शक्ति। भगवान का विषय यदि अचिंत शक्ति हम लोग स्वीकार ना करें, तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। यदि हम समझते हैं, अच्छा भगवान, मान लिया है भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या, हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान दो मन नहीं तो चार मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो सात वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं नहीं ये सब बात क्यों कि वो अपने की ऐसी भगवान को मानते, जो हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिन तनुवासी, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो मूर्ति अच्छा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा ये जो आंख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी दान। अब जब तक जीवात्मा ये शरीर में है, देही नस्मिन यथा देही, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है। तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते, कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है एनालिसिस करके देखो जी कहां जीवात्मा है, नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर
जैसे हम लोग दर्शन कर सकता हूं उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आए। अगर कोई कहे जब ये तो पत्थर है ये भगवान कहां है, नहीं भगवान को छोड़ करके तो कोई चीज है ही नहीं, पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से ही तो कारण, पत्थर का कारण कौन है, पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि रप अनलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, मट्टी आया किधर से, आपको मट्टी नहीं बना सकते, तो उसका कारण कौन है। भगवान कहते हैं बिन्ना में प्रकृति अस्तधा, ये जो भूमि आठ प्रकार के भौतिक चीज स्थूल और सूक्ष्म, हाँ मट्टी पानी और अग्नि, मट्टी जल अग्नि और वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये पांच चीज स्थूल है और तीन चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का दो शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसका मन बुद्धि अहंकार सबको ही हम लोग जानते हैं, जी आपका भी मन है हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है हमारी भी बुद्धि है, बाकी हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा, तो कैसे हम लोग देखेंगे। तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते हैं तो भगवान जो पूर्ण है चेतन नित्य नित्यानां चेतन चेतनानां, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे आंख से, नहीं ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये और चाहूं, बाकी हम लोग मूर्ख है। कहते हैं देखो जी एक पत्थर ले आकर के लोग पूजा कर, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरी मिले तो मैं पूजे पहाड़, नहीं ये के बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचन ही न संत सदैव हृदय विलोकन, जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान, और वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण है, जैसा ये चमार बोलता है क्यों नहीं माने, वो जो पढ़े लिखे हैं बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं है क्या, एक सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव। तो इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां है उसको मानना चाहिए, जो वो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं है, भगवान में अचिंत शक्ति है, यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर ये भगवान कैसे, ये इसलिए भगवान कहते हैं कि श्री भी गुणमय भावई रे भी सर्वमिदं जगत, वो क्यों नहीं देख सकता है, वो जो माया का तीन गुण है सतगुण रजगुण तमगुण उससे फंसे हुए हैं, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। मोहितं नाभिजानाति, माया द्वारा मोहित हो गया, उसका बैकग्राउंड में जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको कोई चीज पूछा जाए वो बोलता है नेचर, नेचर क्या चीज है,
नेचर तो एक शक्ति है, बाकी किसकी शक्ति है उसको तो समझना चाहिए। और उसको जवाब भगवत गीता में है कि नेचर जो है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते स चराचरम। प्रकृति जो है नेचर, हाँ मयाध्यक्षेन, हमारी अध्यक्षता से वो काम कर रहे। सब शास्त्र का यही विचार है। ब्रह्म संहिता में भी यही बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस् भुवनानि विभक्ति दुर्गा। दुर्गा शक्ति जो है प्रकृति, वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती है, इतनी भारी शक्ति है। परंतु सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस् भुवनानि विभक्ति दुर्गा। छाए जैसे छाया, पर छाया वो जब व्यक्ति हिलता जुलता है उनकी परछाया भी हिलता जुलता है, असल चीज जो व्यक्ति। इसी प्रकार जैसे साधारण उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, एक बड़े आदमी का पत्नी बहुत खर्च कर रहा है, तुम आखिर उनको खर्च करने का रुपया कहां से मिले, उनके पति देते रुपया तो वो खर्च करते हैं, स्वाधीन नहीं है, ये साधारण विचार है। इसी प्रकार प्रकृति जो है विष्णु शक्ति, भगवान की शक्ति, पराशर शक्ति विविध अवस्थियत, उनकी शक्तियां इतने है तो वो उसको हमको मालूम ही नहीं हो सकता कितना शक्ति है। एक दुर्गा शक्ति का पावर देख के हम लोग चमत्कार हो गए, और सब बहुत से शक्तियां, पराश शक्ति विविधैव श्रेयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। वो शक्ति इतना सूक्ष्म है, जैसे बीज, वो बटवृक्ष का बीज, वो बटवृक्ष का बीज देखिए, अभी किताब खोलिए तो ऐसे ऐसे सब चींटी निकल आते हैं, बहुत ही छोटी, एक पुलिस स्टाफ से भी छोटी, वो भी हिलता जुलता है। आप उसको कहां उसका हाथ है, पैर है, हार्ट है, सब चीज उसमें है, सब चीज उसमें है, तभी तो हिलता जुलता है। बायोलॉजिकल ट्रू, ये सी चीज अगर नहीं हो तो वो तो लिविंग उसको नहीं हो सकता, सब उसमें, बाकी कहां है किधर। हम लोग एरोप्लेन बनाए, एरोप्लेन बनाया बड़ा मशीन, बहुत बहादुर है, बाकी भगवान एरोप्लेन बनाते हैं, छोटी सी कीड़ा है वो भी बहुत उड़ता है इधर, और उसमें क्या मशीन है किस तरह से उड़ रहा है बताइए। तो इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान की अचिंत शक्ति ये स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान को अगर हम लोग यही समझेंगे कि हमारे ही ऐसे होगा, इसको कहा जाता है कूपमंडूक ने कुआं का मेढक, कुआं तीन हाथ पानी है, उधर एक मेढक बैठे, उसके एक मित्र आके कहते हैं अजी भाई साहब हम तो आज बहुत भारी जल जलाशय देख का है। कहां? वो एटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। अच्छा बहुत भारी है, कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है। अच्छा इससे और थोड़ा बड़ा हो, और थोड़ा बड़ा हो, तीन हाथ उसका एक्सपीरियंस है, वो समझते चार हाथ हो, अच्छा चलो पांच हाथ, चलो छह हाथ, चलो दस हाथ, अरे चलो चलो करते करते वो अटलांटिक का पैसिफिक का तुमको कैसा मालूम होगा। इसी प्रकार भगवान की अचिंत शक्ति, अचिंत तो हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते, इस बात को अगर हम लोग स्वीकार न करें तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग अगर यही ऐसी समझें कि हमारी जो शक्ति है उससे और थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या, डबल होगा, तीन डबल होगा, चार डबल होगा, दस डबल मानो, नहीं अचिंत, तुम्हारा चिंतनीय का वस्तु ही है नहीं, कितनी शक्ति है। तो
ये वो नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझते, इसलिए उसका आकार तो निर्देश नहीं कर सकते हैं, फिर आगे जाकर के वो खत्म कर दे, सब मान लो निराकार बस हो गई काम। जब आकर तो वो कुकोंडो वो जब ठीक नहीं कर सकते हैं, यहां इससे भी बहुत भरा अटलांटिक पैसिफिक ओशन होता है, बट वो चिंता नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं निराकार बस। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जे मोहित नाभि जानाति, ये जो सब मोहित है माया से, ये भगवान की शक्ति क्या चीज है इसको समझ में नहीं आ रहा। निराकार का अर्थ होता है जिसका आकार निर्णय नहीं होता। भगवान चाहे तो इतना बड़ा अनोरणीयान महतोमहीयान, तुम सबसे बड़ा आकाश को चिंता कर सकते हो, ये आकाश सबसे बड़ा, बाकी ऐसे करोड़ों आकाश उनका पेट का भीतर। इसलिए कहते हैं जैसा जसोदा माई कृष्ण का विषय, उनके सब छोटे छोटे मित्र जसोदा माई का आकर के शिकायत किया, माता जी ये कृष्ण आज मट्टी खाया। अरे कृष्णा तू मट्टी खाया? नहीं माता जी नहीं खाया। नहीं ऐसा बोल रहे हैं, ये झूठ सा बोल रहा है। हाँ बलराम भी बोल रहा है, नहीं बलराम भी उसके साथ हो गया। हाँ आज सवेरे हमसे कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए आपके पास शिकायत है। फिर वो लोग को बोला क्या तुम लोग सब झूठ बोलते हो? नहीं माता जी वो खाया, हम लोग सब देखा है। अच्छा तो तुम जरूर खाया है? नहीं माता जी झूठ बोलो। अच्छा मुंह दिखाओ, तुम मुंह खोलो हम देखें। जब मुंह खोलता है देखता है सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड उसका मुंह कर, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये भगवान का विषय है, रोम रोम में है। शास्त्र में कहते जत्सैक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सयजस्य कला विशेषु गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसैक निश्चित काल मथावलंब, ये जो निश्वास हम लोग फेंकते हैं, वो जब भगवान महाविष्णु जो कारण जल में लेटे हुए है वो जब निश्वास फेंकते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड का मालिक है जगत ब्रह्मा जी। इसलिए कहते हैं जैसैक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत कोटि चंद्र है, सब अनंत कोटि। ये सब खबर तो मालूम नहीं है भाई, शास्त्र से मालूम होना चाहिए। जैसैक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम विरजा जगदंडनाथा विष्णु महान, ये महाविष्णु जिससे ये भौतिक जगत पहले शुरू होती है। महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु, ये सब विष्णु पालन करने वाले। तो ये सब तो खबर हम लोग को मालूम नहीं है, माया के द्वारा आंख ढका हुआ है। हम लोग समझते हैं कि भगवान हमारे यही से कुछ होगा, और ज्यादा हमसे हम इतना है भगवान इतना होगा। वो कूपमंडूक न उसको कहा गया, कूपमंडूक जो कभी वो समुद्र का देखा ही नहीं, वो कैसे समझेगा समुद्र कितना बड़ा। इसलिए और भगवान को देखने के लिए आंख बनाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ जी को दर्शन किया, उसी समय मूर्छित होकर गिर गए भगवान। और हम लोग कहेंगे देखो ये एक लकड़ी का मूर्ति है और उसको देख करके ये पागल गिर गया। तो आंख होना चाहिए, वो आंख नहीं है। आंख नहीं होने का कारण मोहितंग नाभि जानाति,
मोहित हो गया। जैसा सूर्य, सूर्य बहुत बड़ा है, हम लोग सबको ही जानते, ये जो धरित्री है इसे 14 लाख गुण बड़ा। और हम लोग कहते हैं देखो जी आज बादल से सूर्य ढक गया, अरे सूर्य कोई बादल ढक सकता है? बादल कितना बड़ा होगा? ज्यादा से 100 माइल होगा, 200 माइल होगा। अरे सूर्य तो है तुम्हारा ये धरित्री से 14 लाख गुण बड़ा, तो कैसे इसको ढाकेगा? वो समझते नहीं कि हमारा आंख को ढाक दिया। वो सब बोलता है कि सूर्य को ढाक दिया बादल। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि माया जो है भगवान को ढाक दी, नहीं माया को, माया माया भगवान की, भगवान के हुक्म से काम करती है, भगवान को ढाक कैसे? इस शास्त्र में विचार, अपश्यत पुरुषम्पन्नम माया के जब अपासितम, व्यासदेव जब ध्यान किया भागवत लिखने का, परम पुरुष को देखा और माया भी को भी देखा, तो माया से जब अपास, माया भगवान को ढाक नहीं सकता, माया हमारा आंख को ढाक सकता है जिसमें कि भगवान को दर्शन हमारा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मोहितं नाभि जानाति मामेव परमाव्ययम्, परमाव्ययम् भगवान का क्षय भय नहीं, ये सब जानते नहीं। इसलिए भगवान को समझने के लिए भगवत भक्त वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, भगवान प्रकाश होते जीवन्मुखी ही जीव भादो स्वयमेव, जैसे सूर्य प्रकाश होता है, आप रात में सूर्य को नहीं देख सकते, अगर आपके पास टॉर्च लाइट है कि चलो छत से तुमको सूर्य हम दिखाएं, ये संभव है नहीं, जो टॉर्च लाइट नहीं हजारों पावरफुल थर्ड पैर ले आप नहीं देख सकते, जब सूर्य उदय होगा कृपा कर तब आप देख सकते। इसी प्रकार भगवत उदय होने से, भगवान की कृपा होने से जब आपका सामने उदय होगा तभी आप देख सकेंगे, ये अपनी बुद्धि से और कूपमंडूक मेंढक का ऐसा विचार करने से, वो विचार ही करते रहेंगे भगवत दर्शन कभी नहीं। इसलिए कहते हैं चिरंग विचिन्न न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न अथापि ते देव पदाम्बुज दयन प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वम् न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न। हे भगवान आपकी कृपा की लेश मात्र जिसका ऊपर है वो तो आपको दर्शन कर लेता, अथापि ते देव पदाम्बुज दयन प्रसाद, आपका चरण का प्रसाद, थोड़ी सी कृपा जिसका ऊपर गिरा, तो अथापि ते देव पदाम्बुज दयन प्रसाद लेशानुगृहीत जानाति तत्त्वम्, जिसके ऊपर थोड़ा ही भगवत प्रसाद हुआ वो तो भगवत तत्व, भगवत तत्व मालूम करना साधारण बात नहीं है, भगवान खुद भी कहें मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध जतताम अपि सिद्ध्यां कश्चित् वेत्ति माम तत्। बड़े बड़े सिद्ध लोग वो भी भगवान को समझ नहीं पाए, बाकी भगवान की कृपा लेश मात्र किसी का ऊपर हो तो भगवान को समझे, प्रसाद लेशानुगृहीत योगी जानाति तत्त्व न चार नहीं एको भी चिरंग विचिन्न। और दूसरे जो है ये अनंत कोटि चिंताएं करते रहे वो भगवान को नहीं समझे, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, भगवान खुद कहते हैं जो हम सबका सामने दर्शनीय नहीं है, योग माया वो आच्छादन करते हैं, तो इसलिए भगवान खुद भी कहते हैं मोहितं नाभि जानाति मामेव परमाव्ययम् परम भावम् जानन्त, और ये ऐसी बात है। तो अब भगवान बता रहे यदि हमको जानने को चाहते हो तो उसका उपाय भी बता दिया है, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्त्वतः, भक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती नहीं,
साधारण समझ लीजिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े धनी है अगर समझ लीजिए बिल्ला जी से मिल गया आप उनसे चार बिल्ला जी आप बताइए आपके पास कितना रुपया है वो बताएगा थोड़ा ही तुम जो सोचते ही रहो अगर होगा 10 करोड़ नहीं कोई नहीं नहीं 20 करोड़ कोई नहीं और ज्यादा बोलते नहीं नहीं इतना नहीं ये सब सोचते ही रहो और यदि बिल्ला जी आपको देखो जी हमारा पास इतना तो फिर आपको समझ में आएगी आपको सोचने का क्या जरूरत तो ये सोचने का काम छोड़ दी यदि आप भगवान को समझने बहुत अनर्णियां महत्वमयी वो क्षुद्र से क्षुद्र भी है वो भी आप नहीं सोच सकेंगे जैसा जीवात्मा क्षुद्र है वो भी आप नहीं देख सकते हैं और भगवान बहुत बड़ा है वो भी आप देखेंगे दोनों ही असंभव अनर्णियां यदि आप बोलेंगे जो भगवान भगवान है अरे जीवात्मा तो है आपका शरीर में है हमारा शरीर में है सबके शरीर में चींटी का भी शरीर में दिखाई दिया देखी कहा नहीं अंडांतरस्थम परमाणु चयाम परमाणु को हम लोग देख नहीं सकते उसके भीतर भगवान तो इसलिए भगवान को देखने के लिए भगवान को समझने के लिए वो तो भगवत प्रेम बिना नहीं हो सकते वो भक्ति इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है उनको सिखा रहे जो भगवत दर्शन करने की क्या पद्धति तो उसको अनुभव वो पद्धति आप यदि उसको अनुसरण करेंगे तो आस्ते आस्ते आपको मालूम कैसे मालूम होगा जैसा आप भूखे हैं आपको खाने की चीज दिया जाता है अच्छा चीज स्वादिष्ट और पुष्टिकर तो उसको आप जितने खाएंगे आपके शरीर में बल भी अनुभव होगा और आपको खाने का भी बड़ा स्वादिष्ट मालूम होगा इसी प्रकार ये भगवत संपर्क भगवान को देखने के लिए भगवान को समझने के लिए जो शास्त्र में पुष्टिकर खाद्य बताया भक्ति उसको भक्ति को ग्रहण करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भगवान को बोलो ऐसे नहीं जल्दी से भगवान एक तभी नाचते नाचते बंसी लेकर के हमारा सामने खड़ा हो जाएगी अरे भगवान तुम्हारा बाप का नौकर है खड़ा हो जाएंगे अगले भगवत भजन करो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज पहले तो शरणागत हो क्यों बड़ा घमंड है भगवान क्या हम भगवान सब भगवान तीस को तो आगे छोड़ो ये जो बदमाशी है राक्षसी बुद्धि है इसको आगे छोड़ो तब भगवान का बात बोलो जब तक राक्षस रहोगे तो राक्षस के भगवान को समझ सकते जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस सब समाचार बड़ा पाप आखिरी में उसको भी समझने पड़ा भगवान भी ऐसा एक मूर्ति होता है आया उसके सामने निशिंग वो बड़ा चलाक हिरण्यकश ब्रह्मा जी से बढ़ लिया था ब्रह्मा जी से बहुत तपस्या की बहुत भारी तपस्या सारा दुनिया को हिला दी तो ब्रह्मा जी पहुंच गए केवल तुम क्या चाहते इतना भारी तपस्या कर रहे हो सब आदमी को तकलीफ दे रहे नहीं हम अमर होने को चाहते हम मरेंगे आप ऐसा बर दीजिए तो ब्रह्मा जी बोला तो हमसे बढ़ लेगा हम भी तो मरने वाला है इधर कौन है जो मरेगा तो ये तो हो नहीं सकेगा तो हमसे बढ़ लोगे क्या हम तो खुद ही मरने वाला अच्छा तो बड़ा चलाक है यसुर लोग बहुत चलाक होते हैं चतुर होते तो देखा कि उल्टा सीधा करके कोई तरह से अमर अगर हो सके तो उसको उपाय किया जाए क्या देखो जी हमको कोई मनुष्य नहीं मारेंगे कोई देवता नहीं मारेंगे कोई पशु नहीं मारेंगे और मैं दिन में भी नहीं मरेंगे और रात में भी नहीं मरेंगे और आकाश में भी नहीं मरेंगे और जमीन में भी नहीं मरेंगे पानी में भी नहीं मरेंगे
इसी प्रकार उनकी बुद्धि जितनी थी सब खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले इससे अब ठीक है, तुम इससे नहीं मरोगे। वो ठीक कर लिया, अब तो हम मरने वाले नहीं, बस हमारा होगी। बाकी वो भगवान की जो बुद्धि होती है ना, उस सब समय दो आंगली बड़ी, तो उसको मारा इस तरह से, वो दिन भी रात नहीं, दिन भी है नहीं, रात भी है नहीं, और पशु भी है नहीं, मनुष्य भी है नहीं। इसी प्रकार भगवान एक मूर्ति धर के आया, ब्रह्मा जी को बात रख दिया। हाँ, इसलिए निसिंह आधा सिंह मूर्ति आधा मनुष्य मूर्ति, और उसको जमीन में भी नहीं मारा, जल में भी नहीं मारा, आकाश में ही अपना गोद में रख के मारा। ये आप लोग सब जानते प्रह्लाद चैतन्य है। तो इसी प्रकार जो राक्षस होते हैं उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, बाकी वो सब बुद्धि से भगवान का पास कुछ काम नहीं चलता, भगवान की बुद्धि और ज्यादा। ये सब समय समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं मोहित अंगना, ये लोग मोहित है, ये राक्षस लोग सब मोहित है, ना भी जान आती, इसलिए भगवान को जान नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए एकमात्र भक्ति है, और भक्ति तभी शुरू होगी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, जब भगवान का चरण में पूर्ण शरणार। हाँ, तो वो सबका हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंत ज्ञानवान मां प्रबद्धति वासुदेव सर्वमेति समात्मा। अनेक जन्म तपस्या करके और साधना करके जब वास्तविक वो ज्ञानवान होता है, तब वो भगवान का चरण में वो सिर झुकाता है, जो वासुदेव सर्वमेति, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की शक्ति का विकास है, जो परस ब्रह्म न शक्ति, ये इसको समझ में आता है। और जब तक वो बात नहीं होती है, तो ये जो श्लोक भगवान बताते हैं, त्रिभी गुणमयी भावी रे भी सर्वविदम जगत मोहितम नारी जान, कि मोहित है ये क्या समझेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे राम।